जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। तुलसी के नीचे रख ले ये चमत्कारी चीज, घर में घुस नहीं पाएगी दरिद्रता। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। घर की गरीबी को दूर करने के लिए अक्सर मैं आपको बहुत सारे उपाय बताती रहती हूँ। इन उपायों का पालन करके आप घर में सुख, समृद्धि, शांति, निरोगी घर को बना सकते हैं। ऐसे ही एक उपाय मैं आपको बताऊंगी। तुलसी घर घर की मान्यता है और तुलसी में कई लोग ये पूछते हैं कि हम शिवलिंग रख सकते हैं या नहीं, शालिग्राम रख सकते हैं या नहीं, या कुछ भी हम रख सकते हैं क्या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, तुलसी में शालिग्राम छोड़ करके कोई भी चीज नहीं रखनी चाहिए, वो भी तुलसी के जड़ के पास एक पत्थर यानी कि शालिग्राम रख करके रोज पूजा आपको करनी चाहिए। शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और जिन घरों में तुलसी के साथ शालिग्राम जी की पूजा की जाती है वहां दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। आप अकेले तुलसी की पूजा करें तो भी काफी फायदेमंद होता है और विष्णु भगवान जो कि शालिग्राम जी विष्णु भगवान जी का रूप है, अगर दोनों के साथ में पूजा करते हैं तो दरिद्रता आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कई लोग पूछते हैं कि शालिग्राम होते क्या है। शालिग्राम नेपाल की एक गड़की नदी के तल से ये छोटे छोटे पत्थर प्राप्त होते हैं। चिकने होते हैं, अंडाकार होते हैं, अलग अलग शेप के भी होते हैं और इनको स्वयं ये अपने आप सिद्ध पत्थर होते हैं। अगर आप इनको सिर्फ तुलसी में ला करके भी रख देते हैं तो माना जाता है कि मनुष्य बम बम हो जाता है। कोई भी व्यक्ति इनको अपने घर में या मंदिर में कहीं भी स्थापित करके कभी भी पूजन कर सकता है। इनको ध्यान रखना है कि लाल रंग की रौली यानी कि कुमकुम, सिंदूर आदि नहीं चढ़ाए जाते हैं, हमेशा इनको चंदन का लेप किया जाता है। शालिग्राम जी कई सारे रूपों में मिलते हैं, कुछ अंडाकार होते हैं और कुछ में एक छेद भी होता है। इस पत्थर में शंख, चक्र, गदा या कमल के फूल के निशान भी बने हुए होते हैं। भगवान शालिग्राम की पूजा अगर आप अपने घर पे रख सकते हैं पूजा स्थल पे, तो माना जाता है कि तुलसी के बिना इनकी पूजा अधूरी होती है। इसलिए हमेशा तुलसी अर्पित जरूर करें अगर आपने पूजा स्थल पर इनको रखा है तो, और अगर तुलसी में ही रखते हैं तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शालिग्राम और भगवती स्वरूपा तुलसी का विवाह करते हैं। जब हम एकादशी आती है दिवाली के बाद, आप सबको पता होगा उस समय तुलसी विवाह करने से घर में जितने प्रकार के अभाव होते हैं, कलेश होते हैं, पाप होते हैं, दुख होते हैं, रोग सब दूर हो जाते हैं। तुलसी शालिग्राम का विवाह कराने से जहां एक और ऐसे भी बहुत सारे फल मिलते हैं, वही कन्यादान कराने का फल मिलता है। कन्यादान कराना विश्व में माना जाता है जीवन दान कराने बराबर है। कन्यादान करना मतलब सारे कर्जों से मुक्ति पाने का समय होता है और अगर आप तुलसी शालिग्राम का विवाह करा दें, आपकी कन्या हो या ना हो, तो भी आपको कन्यादान के बराबर फल मिलता है। कैसे करनी चाहिए इनकी पूजा? सबसे पहले शालिग्राम को सुबह सुबह जल से, पंचामृत से, दूध, दही, घी, चीनी, मधु आदि से स्नान करा करके फिर आप सादे जल से स्नान करा सकते हैं और रोज के स्नान में अगर आप पंचामृत नहीं करा सकते हैं तो कम से कम पूर्णिमा को या जो भी एकादशी आती है उस दिन आपको पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, या कोई भी बड़ा त्योहार हो उस दिन आप ट्राई करें कि पंचामृत स्नान जरूर कराएं। इसके बाद सादे जल से स्नान करा करके थोड़ा सा चंदन लगाना चाहिए। चंदन लगाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जप करते रहना चाहिए। इसके बाद बहुत प्रेम से तुलसी अर्पित करें। जो भी भोग आपने सभी देवी देवता के लिए बनाया है, तामसी भोग नहीं होना चाहिए, प्याज लहसुन आदि का नॉर्मल भोग जो आप बनाते हैं वो लगाएं। और ये उपाय अगर तन, मन और धन से आप करते हैं तो माना जाता है जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। विष्णु पुराण में बताया गया है कि जिस घर में भी शालिग्राम हो वो घर तीर्थ के समान हो जाता है। उस घर में साक्षात देवी देवता निवास करने लगते हैं, माता लक्ष्मी कभी भी उस घर से दूर नहीं जाती हैं। ब्रह्म व्यवर्थ प्राण के प्रकृति खंड में भी बताया गया है कि जहाँ भगवान शालिग्राम की पूजा होती है वहाँ विष्णु जी के साथ महालक्ष्मी माता सदैव निवास करती है। अगर आपको धन संबंधी किसी भी तरह की परेशानियां हो रही हैं, तो आप रख ले तुलसी में शालिग्राम जी और आप देखेंगे कि आपके घर से बहुत तरह की धन वाली समस्याएं दूर हो जाती हैं। पूजा में अगर शालिग्राम जी पर चढ़ाया हुआ जल
अगर भक्त अपने घर पर जब आप स्नान कराते हैं सुबह सुबह, उसके बाद उस जल को आप अपने घर पे छिड़के, अपने शरीर पर कोई भी रोगी मनुष्य है उसके ऊपर छिड़के, या प्रसाद स्वरूप वो जल आप आचमन भी करते हैं, तो उससे तीर्थों के समान आपको स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और अगर आचमन भी करते हैं तो ऐसा माना जाता है जैसे आप गंगा यमुना का आचमन करते हैं, उसी प्रकार शालिग्राम का स्नान कराया हुआ जल का आचमन करने से मनुष्य की सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं। जो भी मनुष्य शालिग्राम पर रोज जल चढ़ाता है, रोज नियम से उसका पूजन करता है, रोज उसकी आराधना करता है, वो अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है। शालिग्राम जी को अर्पित किया हुआ पंचामृत प्रसाद के रूप में सेवन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। आपने देखा होगा अक्सर जब पंडित जी सत्यनारायण जी की कथा कराने आते हैं तो पंचामृत से शालिग्राम को स्नान कराते हैं और उसके बाद वो पंचामृत में तुलसी डाल करके वो सभी को प्रसाद दे देते हैं। अगर आपके घर में वास्तु दोष है, बहुत सारी परेशानियों से आप परेशान हो चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, घर पे रोग बढ़ता जा रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, हर तरफ से विपदाएं ही विपदाएं आ रही हैं, तो तुलसी में एक शालिग्राम रख करके रोज पूजा करें। आप देखेंगे उस घर के सभी प्रकार के दोष और सारी नकारात्मकता बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऐसे भी हमारे पुराणों में और शास्त्रों में तुलसी माता को पूजनीय बताया गया है। इसे घर के आंगन में लगाना चाहिए और नित्य पूजा जरूर करनी चाहिए। धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही तरह से इसकी महिमा बहुत ही श्रेष्ठ है। ये विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी का रूप मानी जाती है और बिना तुलसी के पत्तों का विष्णु भगवान हो शालिग्राम हो भोग को स्वीकार नहीं करते। पौराणिक कथाओं के अनुसार जालंधर की पत्नी थी वृंदा और पति के मृत्यु के बाद तुलसी बनी। अपने श्राप से उन्होंने विष्णु को शालिग्राम शिला बना दिया था। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय एक छोटा सा मंत्र अगर आप याद कर सके तो वो याद कर लें और उस मंत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी माता को आपको तोड़ना चाहिए। माता तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमोस्तुते। इस मंत्र का जप करके आपको तुलसी माता का पत्ता तोड़ना चाहिए और कुछ नहीं तो आप विष्णु भगवान का नाम लेकर के या तुलसी माता का नाम लेकर के तुलसी पत्र तोड़ें। कभी भी बिना नहाए आपको तुलसी पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। संडे को और फ्राइडेज को भी हम मानते हैं कि तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अमावस्या हो, चौदस तिथि हो, एकादश हो, तुलसी पत्ते को तोड़ने से पाप लगता है। बिना किसी कारण के अगर आपको बहुत यूज है या आप चढ़ाना चाहते हैं, पूजा के लिए लेना चाहते हैं, या कभी कभी लोग आजकल फेस पैक वगैरह के लिए भी यूज करते हैं, तो आप चाहे तो वो तुलसी पत्ता तोड़ें, लेकिन बिना बात के तुलसी पत्ते ना तोड़ें। संडे के दिन आपको तुलसी पत्ते को पानी नहीं देना चाहिए, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। और घर में यदि आपने तुलसी का पौधा लगाया हुआ है तो शाम के समय उसके सामने दीपक करना अनिवार्य होता है। यह लक्ष्मी माता के समान होती है और शाम को आपको इनका पूजन नहीं करने से इनका महत्व खत्म हो जाता है। विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, हनुमान जी, इनके भोग में तुलसी पत्र जरूर डाला करें। कभी भी गणपति या शिव जी इनकी पूजा में तुलसी का पत्ता नहीं लेते हैं तो इनकी भोग आदि में कभी भी ना डालें और ना ही उनको चढ़ाएं। और तुलसी के पत्ते जब प्रसाद स्वरूप लेते हैं या ऐसे भी लेते हैं तो कभी भी दांतों से चबाना नहीं चाहिए, इसे सीधा निगलना चाहिए। इसके साइंटिफिक रीजन है कि इसमें मरकरी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो चबाने से हमारे दांतों को नुकसान पहुँचता है। अगर हो सके तो तुलसी माता का रोज श्रृंगार करके रखें। तुलसी के पौधे को लाल रंग की ओढ़नी पहना कर रखें, इससे इनका श्रृंगार होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।